हमने सुनो भी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास पे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है हमारा ले में फिफ्थ डे। आज हम लोग निकल रहे हैं ले टू नुब्रा वैली। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। वैसे तो हमने सुबह 6 बजे निकलना था, सारे वो उठने में लेट हो गए। अभी हम लोग निकल रहे हैं, सारा सामान हमारा पैक हो चुका है। आज आपको हम दिखाएंगे पूरा ले टू नुब्रा वैली वाला जैसे भी हमारा ट्रेवल होगा। और रात को हमने ले पैलेस जाने का प्लान किया था। हमें वहां जाके पता चला कि ले पैलेस 4 बजे क्लोज हो जाता है, 4:30 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए हम वहां पे नहीं जा पाए। और इसलिए ही हम व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उसके बाद हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए। डिनर करके हम फिर आके घर आके काफी ज्यादा थक गए थे, तो हम सो गए। आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली वाया खारदुंगला पास। खारदुंगला पे फिर से हो सकता है किसी की फट जाए बट किसी की फटेगी नहीं, सब स्ट्रॉन्ग है। छोटी सी हो गई दिक्कत हमारे गाड़ी के एक टायर में हो गया, थोड़ा सा पंचर, इसकी वजह से थोड़ी सी हवा कम हो गई है। अभी हम लोग हवा भरने लगे हैं। तो अगर आप लोग भी लद्दाख आए हो तो अपने साथ पंचर किट एयर पंप जरूर रखो क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना नेटवर्क। अभी हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पास खारदुंगला पास जो की है 18,000 समथिंग कुछ फीट पे। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास पे जो कि है खारदुंगला पास। यह है 17,982 फीट की हाइट पे। हमने ये चीज अचीव कर ली, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी अच्छा लग रहा है खारदुंगला पास। सो यहां से जब थोड़ा और ट्रैवल करेंगे लेट यू नो वेदर यू शुड कम हियर और नॉट, फॉर नाउ दिस इज अ गुड प्लेस। आओ यहाँ पे एंजॉय करो, लेकिन एनी टाइम यू आर प्लानिंग टू कम टू ले वाया ऑन बाइक और मे बी कार, थिंक ट्वाइस बट लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। भाई को बहुत ज्यादा खुशी होगी इतनी ऊपर हाइट पे आके। चेंज दे चेंज टीना मम्मी, अंजुबाला आंटी, रामविलास अंकल, सोनिया आंटी, सुमंत अंकल, आप लोगों को प्राउड होना चाहिए। आप लोगों के बच्चे वर्ल्ड हाईएस्ट पास पे आ गए हैं जो है 17,982 फीट ऊपर। यह सुमंत अंकल और सोनिया आंटी का बेटा और ये रामविलास अंकल अंजुबाला आंटी का बेटा। आई थिंक हम पहले ग्रुप है जो कि मर्सिडीज जीएलई वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे लाए जो कि है 17,982। हाँ एंड वी आर प्राउड टू बी हियर। और मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा आगे, हमारे और जो दोस्त जा रहे हैं उनके भी मम्मी पापा, सबको प्राउड फील होना चाहिए। आपके बच्चों ने कुछ अचीव किया है जिंदगी में, ये प्राउड फील करो, प्राउड। हमें खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है। शाबाश आशीष उपल, शाबाश अतुल बंसल, शाबाश आयुष्मान खुराना, नहीं सॉरी गरोवर है गरोवर। और गाइस यहाँ पे ना ड्रोन अलाउड नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्मी एरिया है, तो इसलिए हम आपको ड्रोन व्यूज नहीं दिखा पा रहे। बट जितना बेटर हो पाएगा हम आपको वो सब दिखाएंगे, जहाँ पे मुमकिन हो पाएगा वहाँ पे ड्रोन व्यूज भी दिखाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, पूरा का पूरा वीडियो देखना। जो भी अच्छे रास्ते आएंगे, बुरे रास्ते आएंगे, जो भी होगा बीच में, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर व्यू है। मैं चाहता था हम ड्रोन से दिखाएं, मैं स्पेशली ड्रोन खरीद के भी लाया था। आगे बढ़ते हैं नुब्रा वैली की तरफ। खारदुंगला पास हमने पास कर लिया है। भाई पानी पी ले, ऑक्सीजन कम हो रही है। हाँ पानी पी ले, सर दर्द होना शुरू हो गया। ठीक है गाइस, तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि अगर ज्यादा देर खड़े हो गए तो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी फील होने लग जाएगी। तो ये हाईएस्ट पास था, अब हम नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। सो लेट्स गो, वहाँ चलते हैं, आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइस ऐसी कुछ कच्ची सड़कें हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रखी है तो उस पर काम चल रहा है। आर्मी ट्रक्स भी जा रहे हैं हमारे आगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये पूरा का पूरा आर्मी एरिया, तो आर्मी ट्रक्स तो हमें ऑब्वियस दिखेंगे। भाई यहाँ नहीं फेंकनी है बोतल, क्योंकि देख बोतल पड़ी हुई है यार यहाँ। भाई स्टार्ट हमें खुद से ही करना होता है यार, ये भी ठीक है। ठीक है सो गाइस, आप लोग इतने अच्छी जगह पे आते हो, इतने साफ सुथरे पहाड़ है, आप लोग यहाँ पे गंद मचा के जा रहे हो, यहाँ पे सफाई करने कौन आएगा, आप खुद बताओ। सो बेटर अपने से स्टार्ट करो, हम अपनी बॉटल अपने साथ लेके जाएंगे आगे जाके जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहीं पे बैठेंगे। हमने यहाँ से उठा के वीडियो बनाने के लिए वो करा है, हमारी बॉटल नहीं है भैया, पड़ी थी देखो, ढक्कन वक्कन यहीं पड़े हैं। एकदम साफ सुथरा रखना चाहते हैं अपने इंडिया को। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये देखो
जो हमारी खाली बॉटल थी हमने यहीं पे रखी हुई है। गाइस अभी हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए और साथ में हमारे देखो कितनी सुंदर रिवर बह रही है, पीछे से ग्लेशियर्स मेल्ट होकर आ रहा है और पानी कितना ज्यादा साफ है यहाँ पे। यहाँ पे बैठे हम लोग खाना खाने के लिए। अभी हम लोग आए थे डिस्ट्रिक्ट टेम्पल और ये हमारे सामने बुद्धा जी और उधर मोनेस्ट्री, ये रही मोनेस्ट्री। फाइनली हमने बुद्धा जी के भी दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। दिल्ली से आए थे गर्मी से बचने के लिए लेकिन यहाँ पे दिल्ली से ज्यादा गर्मी है, डेथ हो रही है। मैंने तो सुना था लद्दाख में 12 महीने बर्फ होती है बट यहाँ के फील हो रहा है 12 महीने गर्मी होती है। तो एक काम करते हैं, लेक में नहाते हैं और चलते हैं ले, ठीक है? फिर ले रुकते हैं, शाम को चलेंगे दीदी के पास, वहाँ शराब पियेंगे बैठ के। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हम तो 9-10 बजे ले पहुंचेंगे भाई। भाई यो बताइए ले लाने का डिसीजन किसका था सबसे पहला? मुझे तेरा। तू कल आया था ना, फिर भी धोखे में रखा था। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं रियलिटी ऑफ लद्दाख। भाई ने बहुत अच्छा रिपोर्ट करा है, जिसने देखना है यूट्यूब पे देखना, बार बार देखना, भाई के भी व्यू बढ़ेंगे, तुम्हारे भी पैसे बचेंगे और आने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, खूबसूरत है बहुत ज्यादा है लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं। भाई 2 दिन में तो हम पहुंच भी नहीं पाए थे भाई, 2 दिन से पहुंचना ही नहीं था, पॉइंट तो यही है। पहाड़ देख लो 2 दिन, उसके बाद निकल जाओ, पैंगोंग वैंगोंग उसमें कोई बोले तो कहीं मत जाना। सो गाइस ऑफ रोड करते हुए आ गए हम यहाँ पे और हम लोग नहाने वाले हैं इधर पानी में। बस ये तो मैं सोच रहा हूँ उधर खड़ी कर दूँ। अरे भाई भाई मर्सिडीज लाए, मारुति थोड़ी लाए, मावन कर रहा है। अब तो भीग गया, अब तो चल ले। चल एक और, चलो 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 डुबके, चलो चलो चलो। बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ठंडा पानी है, सीधा मजे ही मजे, सीधा बर्फ मेल्ट होके हमारे पास आ रही है। ज्यादा दूर मचा कह रहा है, तैरना आता है ना, पे ठीक है, ठंडी होगी, ठंड एकदम। सो गाइस इतने ठंडे पानी में पूरा बर्फ मेल्ट होता हुआ नहा के हम लोग हो गए एकदम फ्रेश और बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, सीधा नदी आ रही है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। गाड़ी लो चाहे कोई सी लो, चाहे मारुति लो चाहे मर्सिडीज लो, सेफ साइड चलाओ, ऐसी चूतियों की तरह मत चलाओ कि उसमें बाद में नुकसान हो, बहुत महंगा होता है। जितने की गाड़ी आती है उसने का ही खर्चा करते हैं यार, ऊपर से टाइम वेस्ट होता है, वो अलग। सेफ साइड चलाओ गाड़ी, हर जगह ठीक भी नहीं करवा सकते, हटेंगे ठीक भी नहीं। ये तो भाई अच्छा है, इसको नॉलेज है हर चीज की, हमारा जिसका ओनर है गाड़ी का उसकी फट गई है, क्या था भाई की इतनी नॉलेज कैसे। कैप्टन साहब अब चलाएंगे तीर कमान, देखते हैं 5 में से कितने निशाने लगेंगे। ये शॉट है। सो गाइस अभी हम लोग आए थे कैमल राइड के लिए बट कैमल राइड यहाँ पे क्लोज हो चुका है तो अब ये सारे जा रहे हैं अपने अपने घर, कैमल राइड भी हमारा मिस हो गया। कल मॉर्निंग में देखते हैं अगर हमें टाइम मिला तो हम फिर कैमल राइड करके जाएंगे। नुब्रा में बहुत ज्यादा इशू है, रात को 11 से सुबह 6 बजे पूरे नुब्रा में लाइट नहीं आती तो इसलिए हम होटल चेंज करके अब हम आए हैं दूसरे होटल में क्योंकि इनके यहाँ पे 24 आवर्स लाइट रहती है जनरेटर के थ्रू, तो इसलिए हमने होटल चेंज कर लिया। उस वाले होटल में 11 से 6 बजे तक लाइट ही नहीं होनी थी, इनफैक्ट पूरे नुब्रा में रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं होती, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप नुब्रा में आना और उससे पहले होटल उसी के अकॉर्डिंग सर्च करना।